आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हमारा, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, राइट इशू और बोनस शेयर। ये चैप्टर स्पेशली अलग से एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, अलग से एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इस चैप्टर को क्लब कर देंगे वो लास्ट वाले चैप्टर में। हमारा चैप्टर का नाम है राइट इशू, राइट इशू एंड बोनस शेयर। क्वेश्चन रेज होता है, सर ये चैप्टर बना क्यों, राइट इशू क्या होता है, बोनस शेयर क्या होता है, ये सारी बातें एक बार कर लेंगे डिस्कस। ऑल दो राइट इशू और बोनस शेयर, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर के अंदर इनकम टैक्स पढ़ा है वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा राइट इशू का। बेसिकली राइट इशू का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि एक एक्स वाई जेड, ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, एक्स वाई जेड ने क्या करा, पहले 50,000 शेयर इशू कर रखे हैं, इसने 50,000 शेयर इशू किए हुए हैं, और ये किए थे इसने 2010 में, ठीक है। अब ये कंपनी का ऑथराइज कैपिटल जो था वो था सपोज करो 1,00,000। तो सबसे पहले मुझे एक सिंपल सा जवाब देना, अगर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 1,00,000 है और कंपनी इशू 50,000 कर चुका है, तो क्या कंपनी और शेयर इशू कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, सिंपल। कितने और कर सकते हैं? यानी 50,000 और कर सकता है, कभी ना कभी तो करेगा ही करेगा, जब भी इसे जरूरत पड़ेगी करेगा। अब इसको 2022 में जरूरत पड़ गई, इसने इशू किए कितने शेयर, 20,000 फॉर एग्जांपल, इसने इशू किए 20,000। जब तक इशू नहीं किए थे तब तक कितने शेयर थे इसके पास, और इसका मतलब ये 50,000 शेयर जो थे यही इस कंपनी के सारा कर्ता धरता थे, जिसको हम शेयर होल्डर बोल लें, ऑनर बोल लें, मालिक बोल लें, यही था हमारा सारा का सारा, है कि नहीं। जब सारा कर्ता धरता यही था, मालिक भी यही था, तो क्या बिना इसके परमिशन के हम नए पर्सन को एंट्री दे सकते हैं क्या? तो जवाब है सर नहीं, आप न्यू लोगों को नहीं दे सकते, इसको तो आप इशू कर ही नहीं सकते। इसका मतलब आप जब कभी भी दूसरी बार इशू करोगे तो आपके कंपनी आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, कंपनी आपके ऊपर एक तरीके से दायित्व है कि आपको पहले पुराने शेयर होल्डर से बातचीत करनी चाहिए। अब बताइए, अगर मैं बात करूं, मैं ये इशू कर रहा हूं, तो पुराना शेयर होल्डर कौन है ये? पहले इनको ऑफर करिए आप। पुराने शेयर होल्डर को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और इससे बात करिए आप। इससे अब कंपनी पहले इसको बोलेगी कि हम आपको शेयर दे रहे हैं, खरीदना है, हमने इन सभी शेयर होल्डर को ऑफर किया है कि हम आपको शेयर दे रहे हैं, क्या आप खरीदोगे? और हमारा प्राइस बैंड एक तय होगा, मान लेते हैं फेस वैल्यू मेरी कंपनी का शेयर का है 10 रुपये, बट मैंने इस पुराने शेयर होल्डर को इशू प्राइस मैंने बोला कि हम आपको ये देने वाले हैं 95 में, हम आपको देंगे 95 में, और अगर कोई और खरीदेगा ना, अगर आप नहीं खरीदोगे ना, तो वैसे तो मार्केट में हमारे शेयर 120 में बिकने को तैयार हैं। हमारा शेयर वैल्यूएशन के तौर पे देखा जाए तो मार्केट में 120 का बिक सकता है, लेकिन हम मार्केट में डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है, क्या हमारा कंपल्सन है कि हमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछना होगा। अब जब पुराने शेयर होल्डर से पूछेंगे तो उसको थोड़ा डिस्काउंट भी देना होगा। कितना डिस्काउंट दे दिया, मार्केट में बिकेगा कितने का, 120। ईसॉप वाला आपने देखा होगा, ईसॉप में डिस्काउंट किसे बोलते हैं उसके अंदर समझाया हुआ है। तो मार्केट क्या है, 120 को 95। आप डिस्काउंट का मतलब वो वाला मत सोचिएगा फेस वैल्यू से नीचे, समझे बात। यहां पे कौन सा डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस से सस्ता मिल गया।
अब ये शेयर होल्डर जब मैंने इनको ऑफर किया, अब इन शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे तो भाई 50,000 शेयर होल्डर हैं और देने कितने हैं 20,000, तो इसका मतलब मैं ये 20,000 ही तो बांटूंगा 50,000 में और मुझे सभी ऑनर को ऑफर करना है यहाँ पे। तो ऐसे सिचुएशन में हम रेशो बना लेंगे, एक उस रेशो में इनको ऑफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि मैं राइट इशू करने वाला हूँ और कितने 2:5, 2:5 का मतलब क्या हुआ, जिसके पास 5 है उसको 2 मिलेंगे, ऐसा नहीं जिसके पास 2 है उसको 5 मिलेंगे, जिसके पास 5 है वो 2 शेयर खरीद सकता है। मान लेते हैं कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कितने हैं 10 शेयर हैं, तो बताओ आपको कितने शेयर खरीदने का अधिकार मिल गया, 4 मिल गया, और 4 शेयर को कितने रुपए में। तो एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट रेट से तो डिस्काउंट है लेकिन आपसे प्रीमियम लिया जा रहा है, फेस वैल्यू से 85 रुपये ज़्यादा है ना। तो एंट्री में डिस्काउंट की नहीं करेंगे, एंट्री में प्रीमियम की ही करेंगे, सिंपल एंट्री होगी। और इसमें कोई आपका ऐसे नहीं होगा चलो 2 अब दे दो, लमसम रहेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि पुराने शेयर होल्डर बोलते हैं भाई मैं नहीं ले रहा ये शेयर, हटाओ, या इसके पास अधिकार होता है पुराने शेयर होल्डर का कि ये अपने राइट्स को बेच दे, अपने राइट्स को क्या कर दे ये, तो इसको बोलते हैं रिनाउंस करना, इसको बोला जाता है। क्योंकि भाई मुझे 2 शेयर मिल रहे हैं, मेरा एक दोस्त आया बोला यार मुझे इस कंपनी के शेयर खरीदने मिल ही नहीं रहे, मैंने बोला यार मैं तो खरीद ही नहीं रहा, तेरे को दे देता हूँ तू खरीद ले, हो सकता है ऐसा पॉसिबल। जो मुझे ऑफर दिया गया ना यहाँ पे 2-4 शेयर का, उस 4 शेयर के लिए मुझे लेटर मिलेगा प्रॉपर कि हम आपको 4 शेयर देंगे इतने प्राइस में, क्या आपको आपकी सहमति है, क्या आप एग्रीड करते हैं कि दिस प्राइस पे आप खरीदेंगे, हमसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि 4 शेयर खरीदो, पूछा जाएगा। देन मेरे ऊपर ऑप्शन है, मैं बोलूंगा या तो यस या तो मैं बोलूंगा मैं नहीं खरीदूंगा, मेरा दोस्त खरीदेगा इसे, दोनों चीजें अवेलेबल हैं। अगर मैं बोलता हूं मैं नहीं खरीदूंगा मेरा दोस्त खरीदेगा, तो इसका मतलब मैं रिनाउंस कर रहा हूं, मेरे पास आया मैंने फर्दर आगे कर दिया रिनाउंस। अब मैं देखो दोस्त के साथ मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि तेरे को देख मैं 4 शेयर दिलवा दूंगा बट तुझे वैसे तो मिलता 120 का लेकिन मेरी वजह से कितना मिल रहा है 95 का, 5 मुझे भी दे दे, हो सकता है ना। तो इसके जेब में चला जाएगा 20 रुपये, दोस्त का भी फायदा हो गया कि 120 की जगह उसको कितने का मिल गया 100 का। तो हमें रिनाउंस वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछा जाएगा, हमें सिंपली पूछा जाएगा कि ये शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिला है राइट इशू उसकी जर्नल एंट्री करिए। समझ में आई बात आपको, थ्योरी जब क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा जाएगा कि इसने रिनाउंस कर दिया, ऐसे कर दिया, राइट इशू दिया गया, इस रेशो में दिया गया, वो बातें लिखेगा घुमा फिरा के, लेकिन सिंपल सी एंट्री है राइट इशू हुआ तो ठीक और नहीं हुआ तो किसी को भी हो, हमें तो जर्नल एंट्री करना है भाई, चाहे तुम ले लो तब भी मेरे बैंक में पैसा आएगा, अगर तुम नहीं लोगे बाहर वाला पब्लिक ले ले तब भी मेरे बैंक में पैसा आएगा, बाहर वाला पब्लिक लेगा तो एप्लीकेशन देगा और तुम लोगे तो तुमसे किस बात का एप्लीकेशन, तुम्हारे नाम पता सब तो मेरे पास है ही है, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल खत्म, समझे बात आप। या एप्लीकेशन लेना ही आपको फ्रेश तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है ठीक है। अब मान लेते हैं ये मना कर दे मैं नहीं खरीद रहा, जब ये मना करेगा तब जाएगा बाहर वालों के पास ये शेयर और बाहर वालों को कितने में मिलेगा ये। तो जब हम राइट इशू करते हैं तो जब दूसरी बार उसे करते हैं उसे बोला जाता है FPO, फर्दर पब्लिक ऑफर। अब समझ लो, ध्यान देना, आपके रियल लाइफ में भी कभी ना कभी स्टॉक मार्केट में अगर आपका इंटरेस्ट आएगा तो जो मार्केट में FPO आया है वो बढ़िया शेयर हो ही नहीं सकता, बताओ लॉजिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने डिनाई कर दिया, जो घर का पर्सन है वही पसंद नहीं कर रहा है इसको,
तभी तो बाहर वाले के पास आए निकल के ये। तो FPO हमेशा देखोगे आप, हमेशा उसमें फ़ायदा होता ही नहीं। कई कंपनी ने करा है इशू, PNB ने किया हुआ है, बहुत सारी कंपनी ने किया हुआ FPO, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, उसका सब्सक्राइब इतना अच्छा, फीडबैक नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब राइट इशू में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं चार शेयर का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जनरल एंट्री देखिए, चार शेयर की मैं जनरल एंट्री करता हूँ, क्या एंट्री करूँगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री यही होना है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो, या तो मैंने पब्लिक को बेचा होगा या फिर मैंने खुद ले लिया। मैं मान लेता हूँ मैं पब्लिक को बेच रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 रुपये के हिसाब से क्या आएगा, 4 गुणा में, समझ में आ रहा है, 480। 2 क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन कितने का, कोई डाउट, बींग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, वही पुरानी कहानी, नहीं यहाँ पे लमसम ज़्यादा रहेगा, हो सकता है, लेकिन यहाँ लमसम वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, इतना नहीं खींचना हमें इसको। इसके बाद अगली एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन जी कितने, 480, और इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितने का है, बाकी सिक्योरिटी, तो बाकी हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, समझ में आया। राइट इशू खत्म, राइट इशू में यही दो एंट्री एड ऑन होना है, पुराने क्वेश्चंस हमारे वही रहेंगे कि मैंने पुराने शेयर इशू किए हैं, 1,00,000 शेयर इशू किया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये दिया, कॉल सिनेरियर पुराने नहीं आ रहे, पुराने नहीं आ रहे तो उसकी एंट्री कर दो, जैसे भी होगा, अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे बुक का, सीधा सीधा फटाफट से हो भी जाएगा, है ना। तो राइट इशू की एंट्री पहले तो हमें इसमें मेजर क्या समझना था जी, राइट इशू होता क्या है, तो राइट इशू इज क्या है हमारा, कि पुराने शेयर होल्डर को शेयर देना, और हम एक अकाउंटेंट हैं, हमें जनरल एंट्री करना पड़ेगा, पैसा आया और कैपिटल दिया, बात खत्म। तो यही क्या बना हमारा, राइट इशू, ठीक है। राइट इशू कंपनी जब भी रिक्वायरमेंट है, क्यों किया जाता है, सारी बातें लिख दी। लॉ के अंदर इसके अंदर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता था कि राइट इशू के कंडीशंस बताइए, अकाउंट्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बुक में मेंशन है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसको मैं लंबा ज़्यादा लेके जाने का फ़ायदा है ही नहीं, हमारे सिलेबस का सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, समझे बात आप। तो ये था राइट इशू का, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सिर्फ आपने ये एंट्री नोट करना है, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई नोट करने वाली बात है नहीं, ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस है। हाँ, फिर उसके अंदर उसको फ्रैक्शन में, उसको दो ही मिलेगा, उसके हिसाब से रहेगा वो, और राइट इशू हमेशा वो निकाला जाएगा, उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं देंगे, ऐसा भी होता है। इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं, कहता है साई एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैव सब्सक्राइब, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब भाई जितने बच्चे लाइव में वो डाउट बता दो, तब मैं मिटा दूंगा इसको,